वेलकम स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड इज पी एच पी एच एंड पी के डब्ल्यू लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या सिंपल आयनाइजेशन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर या आयनाइजेशन कॉन्सेंट ऑफ वाटर जब वाटर की ऑटो आयनाइजेशन होती प्योर वाटर की ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती आयनाइजेशन हो गई इक्ल्यूब्रियम पे केसी की एक्सप्रेशन हमने लिख ली थी अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कांस्टेंट होता है ये जो केसी की जो वैल्यू होती है वो वन पॉइंट एट टेन रे सुबह माइनस सिक्सटीन होती है और वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव होती है तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर एक इन अदर कॉन्सेंट जिसको हम बोलते हैं के डब्ल्यू के डब्ल्यू मीन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर और ये बराबर है मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सलाइन एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर और इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास ए इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेन रेस्ट पावर माइनस फोर्टीन अब इस बात को उठाते हुए हम अपने अगले लेक्चर को शुरू कर लेते कि ये जो आनाजेशन हुई थी आटो एनाइज वाटर की ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी एक को एक्सोल्यूशन के अंदर ये बहुत स्मॉल है अब इस स्मॉल वैल्यू पर वर्क करना आसान काम नहीं है ये जो स्मॉल वैल्यू है इसको मैयर करना आसान नहीं है तो इस स्मॉल वैल्यू यानी इस काम को आसान बनाने के लिए डेनिश एक्ट केमिस्ट है जिसका नाम है सोरेंसन उसने 1909 के अंदर एक प्रैक्टिकल मईरमेंट ऑफ एक्सप्रेशन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एन हाइड्रो अक्सल आइन इन टर्म ऑफ पी एच पी एच की बिना पर हाइड्रोजन और हाइड्रो अक्सल की प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की है उस प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में उसने एक स्केल बनाया जिसका मतलब है पी एच स्केल अब एसिडिटी ऑफ एक सोल्यूशन डिपेंड करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की किसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस इक्व सोल्यूशन के अंदर और ये एक सिंपल और न्यूमेरिकल वे है जिसकी मदद से हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम पीएच कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ से हम पी एच कैलकुलेट कर सकते हैं इसने हमें मैथमेटिकली यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दिए अब पी का क्या मतलब है पी का मतलब है पीएच जो है ना ये लेटन वर्ड से निकते पोंडस हाइड्रोजन आईन जिसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइन आर सिंपली क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन है आर सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है इन सारी डिफिनेशन है पीएच की इसी तरह पी की क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सालाइन यानी ओएच इसी तरह क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सालाइन इसी तरह पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सालाइन दिस आल आर नोन एज पी एंड मैथमेटिकली वी मे बी डिफाइन पी एच एज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन And pH is इतनी सी बात की समझ आ गई अब ये जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सलाइन की पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन की जो कंसेंट्रेशन है वो टेन रेसो पावर माइनस सेवन मोल है यानी मोलरिटी है, है लेखा हुआ है इसी तरह हाइड्रोक्सलाइन की जो कंसंट्रेशन है वो टेन रेसो पावर माइनस सेवन मोलर है यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है अब देखना कंसंट्रेशन तो आ गई इस इक्वेशन के अंदर हम ये एच की जगह इसकी कंसंट्रेशन को पुट कर लेते हैं तो पी एच बराबर हो जाएगा नेगेटिव लाग ऑफ टेन रेस टू पावर माइनस सेवन अब ये माइनस वाली वैल्यू स्टार्ट में आ जाती है और लाख टेन हमें पता वन के बराबर है तो माइनस और वन वन के साथ माइनस तो साथ में ये देखना ये इस सिंपल इसी तरह है ना माइनस तो यहाँ पर वन है कुछ भी नहीं अंदर आप लोगों के पार्ट टेन रेस और ये भी माइनस सेवन के बराबर हो जाएगा वन माइनस सेवन ये किसके बराबर आ गए सेवन के जब हम नेगेटिव लाख टेन रेस सुपॉर माइनस सेवन के लेते तो ये पी एच इसका सेवन आ गया क्या आ गया सेवन अब पी एच और पी ओ एच तो दोनों सेम है ना तो पी ओ एच इस सोल्यूशन का क्या होगा पी ओ एच भी बराबर होगा किसका सेवन के बराबर होगा किसके बराबर होगा सेवन पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड की बात करो अब पी एच और पीओएच को जब हम जमा कर लेते हैं एंड का किसके बराबर है ये देखना एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्शन है पी एच प्लस पीओएच एच अब सेवन ये पी एच सेवन है पीओ एच पी भी सेवन है तो दोनों बराबर हो जाएंगे फोर्टीन का अब इस इक्वेशन से हम किसी भी सोल्यूशन का पी एच कैलकुलेट कर सकते जब हमें पीओ एच दी हो हम पी ओ एच कैलकुलेट कर सकते जब हमें पी एच हो आगे मैं इससे रिलेटेड नोमेरिकल भी सॉल्व करने वाला हूँ तो ये इधर तक ये एक्सप्रेशन होगी ये एक सोरेस की एक्सप्रेशन मैथमेटिकली कैलकुलेशन और ये जो इक्वेशन है इसकी समझ आगे पी एच का पी के साथ क्या रिलेशन पी एच और पी बराबर है फोर्टीन के अब देखना यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बता रहा हूँ आप लोगों के लिए ये पी एच और पी ओच जब सेवन के बराबर होगा उस वक्त सोलूशन आप लोगों को क्या पास क्या होगा न्यूट्रल होगा ये बात भी अपने पास नोट कर लेना यहाँ पर मैंने दो बीकर लिए हुए दोनों बीकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है एक पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है और एक में हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है अब पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसमें वाटर है वो तो हमें पता है उस वक्त पी एच किसके बराबर होता है पी एच सेवन के बराबर होता है साथ में पी एच किसके बराबर होता है पी एच भी ऑलरेडी आपको पता है सेवन के बराबर है पी एच प्लस पी एच किसके बराबर है तो वो भी फोर्टीन के बराबर है इतनी सी बात की समझ आ गई आ रही है इसकी समझ ये पी एच प्लस पी एच फोर्टीन के बराबर है अस अब इस बीकर में देखना इसमें वाटर पड़ा हुआ 100 degrees, 100 degrees है लेकिन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि पीएच का मैं बता रहा हूँ कि ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है अब इस सोल्यूशन के लिए अगर हम देखते टेम्परेचर हमें पता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसका टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आइनाइजेशन आयनाइजेशन इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे क्यों क्योंकि आयनाइजेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब क्या है तो जब आयनाइजेशन इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एच पॉजिटिव की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो ओ एच नेगेटिव की कंसनट्रेशन भी इंक्रीज होगी बात की समझ आ रही है आयनाइजेशन इंक्रीज हो रही है पिछले लेक्चर में भी हमने डिटेल से पढ़ा है अब ये दोनों चीज़ें अगर इंक्रीज हो रही है तो पीएच क्या होगा पीएच इसका डिक्रीज होगा पीएच क्या होगा डिक्रीज होगा मैं बता रहा हूं आपको सिमिलरली पीएच क्या होगा पीओ भी डिक्रीज होगा क्यों पीएच और पीओएच ये बात ये ये बात मैं बता रहा हूं ये पीएच एंड साथ में मैं यहां पर सिंपल करके एंड लिख ले तो पीएच एंड पीओएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करने से पीएच एंड पीओएच कम होते जाएंगे आयनाइजेशन इंक्रीज कर मैं बता रहा जब कम होगा तो एसिड एकद हो गया कम होगा यहाँ के स्केल की तरफ मैं भी नहीं गया हूँ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि पी एच हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर कम है पी एच हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है लेस देन सेवन ट्वेंटी फाइव है तो सेवन के बराबर लेकिन यहाँ पर लेस देन सेवन और पीओ भी क्या होगा पीओ एच भी सिमिलरली लेस देन सेवन होगा जब पी एच एन पीओ लेस देन सेवन होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगी पी एच प्लस पी ओ एच इज ऑलवेज लेस देन फोर्टीन ये एक्सप्रेशन आ आगे इसके लिए अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों में से न्यूट्रल सोल्यूशन कौन सा होगा तो आपका आंसर ये होना चाहिए ये तो आर रेडी न्यूट्रल है जो पी एच सेवन हो पी ओ एच सेवन हो ये फिर न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है इसके बारे में भी यही ख्याल है कि बोध आर बे बो दीज टू आर न्यूट्रल ये दोनों न्यूट्रल है सर ये आप क्या कह रहे हैं ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर पी कम हो रही है तो साथ में पी भी कम हो रही है ना दोनों की कंसनट्रेशन जो equal है वो इक्वल है इक्वली मोड में कम हो रही है जब इक्वली मोड में कम हो रही है तो आप लोगों के पास पी एच एंड पी में इतना इफेक्ट नहीं आएगा तो ओवरऑल आप लोग का सोल्यूशन क्या होगा न्यूट्रल होगा इसका मतलब ये है ना आप लोगों के पास पानी है पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा पानी है इसको और दूसरा पानी आप लोग गर्म कर ले तो हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो आपके क्या ख्याल है पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड वाले के अंदर एसिडिक नेचर नहीं होगा हंड्रेड वाले के अंदर एसिडिक होगा नहीं पी कम हो रहा है लेकिन पी भी साथ में कम हो रहे हैं दोनों आप लोग के पास न्यूट्रल है दोनों क्या है न्यूट्रल है अब ये जो सोरेन्सर का जो स्केल है ये जीरो से स्टार्ट होता है सेवन तक और आगे जाकर फोटीन तक ये सोरेनसन का स्केल है पीएच स्केल जीरो से लेकर ये किधर तक है फोर्टीन तक है अब ये जो जीरो से लेकर सेवन तक के दरमियान किसी भी सोल्यूशन का अगर पीएच होगा तो वो एसिडिक होगी ये पीएच स्केल है सोरेनसन वाला अब सेवन पे कोई भी सोल्यूशन होगा चाहे वो पानी है जो भी है वह न्यूट्रल होगा और सेवन से सेवन से फोटीन तक जो भी सोल्यूशन होगा वो क्या होगा बेसिक होगा और एक बात एक बात जितना सोल्यूशन नीचे की तरफ जीरो के करीब करीब होगा जितने सोल्यूशन जीरो के करीब करीब होगा तो एसिडिक नेचर नेचर क्या होगा होगा एसिडिक ज्यादा हो और जितना सेवन से आगे आगे जाएगा फोर्टीन के करीब होगा तो बेसिक नेचर क्या होगा ज्यादा होगा बेसिक नेचर इस तरफ इंक्रीज हो रहे है और एसिडिक नेचर इस तरफ इनक्रीज यही तो मैं ये कह रहा था ना कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो पीएच क्या होगा डिक्रीज होगा पीएच क्या होगा डिक्रीज होगा यानी हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा होंगे तो पीएच आप लोगों के पास कम होगा इसी तरह हाइड्रो अक्सल आयन की कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो पीएच साथ में क्या होगा डिक्रीज होगा हाइड्रो अक्सल आयन की जितनी कंसनट्रेशन ज्यादा हो तो वह आप लोगों के पास कम होता जाएगा अब कुछ और बात इससे रिलेट ये जो पीएच है ना ये जीरो से कम भी हो सकते हैं साथ में फोर्टीन से ज्यादा भी हो सकते है। हो सकता है ये बात भी अपने पास नोट कर आगे हम पी के वाले इससे पढ़ेंगे और भी आसान बनाने के फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बोल ना ये ट्वेल्व मोलर ट्वेल्व मोलर क्या है एच सी एल है ट्वेल्व मोलर एच सी एल है इसका पी एच करो इसके जब आप लोग पी एच करोगे ना पी एच क्या लिख लो गाग ऑफ एच एन अब हाइड्रोक्सनाइन ये मानो प्रोटेक् कैसे तो ट्वेल्व मोलर हाँ वन प्रोटॉन प्रोटान ट्वेल, ट्वेल देंगे देंगे ट्वेल्व मोलर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर क्या होगी ट्वेल मोल अब नेगेटिव लागा ट्वेल्ल ले लो ना आप लोग के पास आंसर क्या आते हैं वो फिर देख लेना कि वाकई में ये जीरो से कम आता है या ये फोर्टीन से ज़्यादा आ सकता है अब साथ में ये भी कर लो ना ये देखना है ना कि साथ में आप लोगों ने ये करना है कि ट्वेल्व मोलर एन ओ एच लेना है ट्वेल्व मोलर ट मोलर एन एच ले लो एन ओ एच का तो आप लोग चूंके पी एच नहीं फाइंड कर सकते इसका पीओ फाइंड कर लोगे पीओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सलाइन अब हाइड्रोक्सलाइन ये भी आप लोग हाइड्रोक्सलाइन देते ट्वेल्व तो 12 मोलो ट्वेल्व 12 के ऊपर इसका पीओ एच फाइंड कर लो ना फिर पीओ एच से इसका पी एच फाइंड कर लो पी एच प्लस पीओ इस पी एच प्लस पीओ एच कैलकुलेटर में सिंपल पुट कर लेना इधर से पी एच फाइंड कर लो सिंपल है इधर से पी पी एच फाइंड करके फिर इसका पी फाइंड करो देख लाँ आप लोगों के पास वैल्यू फोर्टीन से ज़्यादा आती है या जीरो से कम आती है या आप लोगों का काम है कि पी एच जीरो से कम भी हो सकते हैं फोटीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं या आप लोगों ने देखना अब हम इससे रिलेटेड एक नूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस नोेरिकल पर गौर करना है कि नूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसमें असल में नोमेकल लाजमी है कि नोमेरिकल इससे आते हैं वो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर मैंने एक नूमेरिकल लिया है पीएच से रिलेटेड वेन फोर ग्राम ऑफ एन ओ एच इज इन liter ऑफ सोल्यूशन पी एच विल बी आप लोगों को एन ए दिया है टेन लीटर सोल्यूशन का जो है ना कौन सा टेन लीटर सोल्यूशन जो आप लोग को सोल्यूशन उसके जो वॉल्यूम है वो टेन लीटर है तो पी एच फाइंड कर लो सबसे पहले गिवन डेटा में मास ऑफ एन ओ एच दिए फोर ग्राम इसी तरह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया टेन लीटर फाइंड क्या करने पी एच फाइंड करने अब सोल्यूशन हम देखते हैं कि वाकई फाइंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते पीएच का तो मैंने बताया डिटेल से कि पीएच बराबर है नेगेटिव लाग ऑफ हाइड्रोजन आयन अब यहां पर तो हाइड्रोजन आयन है नहीं ये तो बेस है तो मैं क्या करता हूं मैं बेस के लिए लिख लेता हूँ चलो बेस के लिए देखते हैं पीएच बराबर होते हैं नेगेटिव लाग ऑफ हाइड्रो ऑक्सल नेगेटिव लाग ऑफ हाइड्रो ऑक्सल के बराबर है पीएच इतनी सी बात होगी तो अब हम हाइड्रो ऑक्सअल को देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सलाइन की कंसनट्रेशन कंसनट्रेशन तो है ही नहीं दो ही चीजें दिए एक तो मास दिए एक वॉल्यूम दिए तो अब क्या करें सर पी एच प्लस पीओ इज इक्वल टू फोर्टीन ये तो हमें पता है पी एच हम इससे फाइंड कर लेंगे लेकिन हमें भी पी ओच का नहीं पता है तो इस निकल पर थोड़ा सा गौर करना गौर ये करना कि आपको मास दिया है क्या दिया है मास दिए और वॉल्यूम दिया है बाकी कुछ नहीं दिए तो आप लोग हमें पता है ये कंसनट्रेशन है क्या है कंसनट्रेशन कंसंट्रेशन का हमें पता है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बार बार में बोल रहा हूं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलरिटी एंड मोलरिटी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब्स आर लीटर मोल पर डेसीमीटर क्यूब आर लीटर तो अब हम यहां से हमें मोल का भी नहीं पता है तो सबसे पहले भी गौर करो मोल्स का तो नहीं पता है, लेकिन मोल्स हम फाइंड तो कर लेंगे ना ये इक्वेशन अपने पास नोट कर लेना अब मोल्स का हमें पता है एज वी नो दैट मोल इज इक्वल टू मास इन ग्रेम इन ग्रेम डिवाइड बाई मोलर मास बस इतनी सी बात थी सिर्फ गौर करना था थोड़ा सा गौर यही करना था कि ये जो दिया है मोल्स हम मोल्स कैसे अब आप लोग को मास दिया है का मोलर मास का पता है पता है या नहीं पता है पता है, पता है। मास ऑफ

किसको फोर को जब फोर्टी पे डिवाइड कर लेते डिवाइड कर लेना आसान इतना है इतना मुश्किल नहीं इसका आंसर क्या आता है आप लोग इसका आंसर आएगा जीरो पॉइंट वन सिंपल है ना इधर पॉइंट लगा लो इधर जीरो लगा लो तो फिर फोर्टी वन जार फोर्टी जीरो पॉइंट वन मॉल्स जीरो पॉइंट वन मॉल्स मॉल आ गए भाई मोल्स तो आ गए अब तो आसान है ना मोल जब आ गए तो कंसेंट्रेशन में पुट कर लो सिंपल ना मॉल्स किसके बराबर थे मोल्स आप लोगों पास आ गए जीरो पॉइंट वन और नीचे लीटर के अंदर सोलूशन डेसीमीटर क्यूब के अंदर सिंपल उसने लेटर दिया टेन है डिवाइड इसका भी सिंपल करके इससे तो एक और पॉइंट लगा के जीरो लगा लो तो इसका जो आंसर आएगा वो जीरो पॉइंट जीरो वन आएगा कैलकुलेट भी कर लेना खैर है इतना मुश्किल नहीं है तो यह आप लोगों के पास कंसेंट्रेशन आ गई जीरो पॉइंट जीरो अब इतनी सी बात थी बस अभी हो गया आप लोगों का काम तो कंसेंट्रेशन हाइड्रोक्सलाइन की आएगी हाइड्रोजन की नहीं आएगी क्योंकि बेस है इस इक्वेशन में अब इसको सिंपल करके पुट कर लेना तो पी ओ एच बराबर हो जाएगा पी ओ एच इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सालाइन और हाइड्रोक्सलाइन का मोलर कंसेंट्रेशन कितना गया? आ गया जीरो पॉइंट जीरो वन आ गया मोलर कंसनट्रेशन तो अब देखना आसान कर लेना और भी पी ओ एच बराबर हो जाएगा नेगेटिव लाग एध, साथ में इसको और आसान बनाने के लिए इसके मैं टेन की पावर में ले जाता तो हूँ पॉइंट एक इधर तरह के आएगा तो टेन रेस टू पावर माइनस वन हो जाएगा एक इधर आ जाएगा तो टेन रेस टू पावर माइनस टू हो जाएगा इतनी सी बात थी बस और कुछ नहीं है पी एच बराबर हो जाएगा लाख टेन आप लोगों के पास वन के बराबर आ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव साथ में माइनस और ये लाख टेन वन और साथ में माइनस टू ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगा तो पी एच आ गया पी एच कितना है पीओ एच आप लोगों के पास है प्लस टू पीओ एच इस सोल्यूशन का आ गया कितना प्लस टू अब पी एच कैलकुलेट करना है हमारा काम किसके साथ है पी एच के साथ है उन्होंने थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने के लिए दिए कुछ भी नहीं दिया पहले तो उन्होंने ना कंसेंट्रेशन दिए ना मोज दिए सिंपल करके नुमेरिक इस तरह नुमेरिकल आ सकते हैं तो आप लोगों ने तैयार रहने इस तरह नुमेरिकल के लिए अब सिंपल है पीएच का हमें पता है पीएच इज इक्वल टू पी ओ एच प्लस फोर्टीन तो हमारा काम किसके साथ है सिंपल करके बार बार में नहीं लिख सकता फोर्टीन इधर आ गया और पी ओ एच इज इक्वल टू एक साइड पे मैथमेटिक्स का रूल है प्लस हो रहा है इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस पी ओ एच तो पी एच बराबर हो जाएगा पी एच किसके बराबर होगा पी एच बराबर हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू फोर्टीन ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस टू फोर्टीन माइनस टू इज इक्वल टू टूल्व यह जो सोल्यूशन है इसका पी एच क्या है ट्वेल्व का मतलब क्या है ये वीक एसिड है स्ट्रांग एसिड है ये तो एसिड नेचर से ही बाहर है यार सेवन से ही बड़ा है सेवन से बड़ा हो गया तो बेस है तो ये क्या है बेस बहस पी एच इसका बेसिक इस तरह से हम किसी भी सोल्यूशन का पीएच एंड पी एच कैलकुलेट कर सकते हैं अब ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.1 पॉइंट वन है और साथ में 8.2 पॉइंट टू वो इसी से रिलेटेड है न्यूमेरिकल ये आप लोगों का काम है कि वो सॉल्व करो नहीं हुआ तो फिर मैं कर लूँगा लेकिन आप लोगों ने कोशिश लाजमी करनी है थैंक यू फॉर वॉचिंग